तो गाइस अब चलते हैं स्पाइस प्लांटेशन के लिए। अब दूध सागर वाला ट्रिप खत्म। तो यहाँ से हम लोग का स्पाइस टूर शुरू होता है। मैं हूँ आप लोग की गाइड। ये है दालचीनी का पेड़। दालचीनी का पेड़ दो टाइप का होता है, एक राउंडिंग वाला और एक मोटा छिलका वाला। दोनों 10 साल के बाद मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद हम लोग रूट से 1 मीटर छोड़ के कट करते हैं। कट करने के बाद इसका छिलका निकाला जाता है। छिलका निकालने के बाद धूप में सुखाते हैं। इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छिलका वापस आ जाता है। इसका जो अंदर का पार्ट रहता है उसका तेल बनाते हैं, वो जेंटविन के लिए काम आता है। इसको बोलते हैं सिनेमन ऑयल। 2 बूंद सिनेमन ऑयल लेना है। 25 कोई भी मसाज तेल में मिला के मसाज करना है। ये फैटनेस के लिए भी काम आता है। फैटनेस के लिए एक छोटा टुकड़ा दालचीनी लेना है। दालचीनी को 6 से 7 मिनट उबालना है। उबालने के बाद खाली पेट पीना है। आ जाइए दालचीनी के फायदे। अब सुनते रहो, अभी और कौन कौन से मसाले होते हैं और उनके क्या क्या फायदे होते हैं। अंकल नारियल काट रहे हैं। अंकल नकली नारियल छील भी दिए। देखो मैंने सुंदर हट बना रखा है। और ये हुक्का पी रहे हैं, वो मछली काट रहे हैं। अभी दीदी बताएंगी। और इसको पॉकेट में रख लूंगी। मैं घूमना तू रहने दे। मुझे सुंगा दो। आपके हाथों में से स्मेल आ रही है, इसमें समझ नहीं आ रही। ये तो अमरूद का पत्ता लग रहा है। इसमें से आप लोगों को 5 मसाले की खुशबू आएगी। हाँ, दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग। हाँ, तो मैं से नहीं आ रही हूँ, इसी में से आ रही। गोवा के एग्रीकल्चर ने 5 मसाले क्राफ्टिंग करके बनाए थे, इसलिए गोवा के लोग बोलते हैं गोवन गरम मसाला। इसका कोई फल या फूल नहीं होता। जब इसका पत्ता थोड़ा डार्क होता है, डार्क होने के बाद इसका पत्ता को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद पाउडर बनाते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। जो पीछे देख सकते हैं वो है तेज पत्ता, जो आप लोग पुलाव बिरयानी में डालते हैं। और कभी कभी कोई कोई हकला के बात करते हैं, रुक रुक के बात करते हैं, तो टंग के नीचे 8 से 10 मिनट रखना है और आराम से बैठ जाना है। तेज पत्ता को आ जाइए, फिर उसे ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं उससे, ठीक हो जाते हैं उससे। बता दो। ये है जामुन का जूस। जामुन और बीज के साथ जूस बनाया गया है। जिसको भी डायबिटीज है ये पी सकते हैं, कंट्रोल में रखता है। आप लोगों किसी को ट्राई करना है मुझे आ जाइए। पीना था ना? कौन बोला पीना नहीं? किस किस का है? जामुन का और बीज दोनों मेरे लेके। ये है कोकम का जूस। रेड कलर का फल होता है, उसका बीज निकाल के धूप में सुखाते हैं। जो आप लोग घर में खट्टेपन के लिए इमली यूज करते हो ना, तो दाल चटनी में, तो गोवा के लोग कोकम का छिलका यूज करते हैं। ये उसका जूस है, डाइजेशन के लिए काम आता है। टेस्टिंग करवाओगे? खत्म हो गया वो। अच्छा, बताओ लगता है लकड़ी। ये है जायफल का पेड़। जायफल सबसे गर्म होता है। जो भी मसाला बनाया जाता है जायफल इसमें यूज होता है। एक इंसान एक जायफल खाया तो उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि वो बहुत गर्म होती है। अगर आप लोग को मजाक लग रहा है तो आप लोग खा के देखिएगा। जब छोटे बच्चे को सर्दी या जुखाम होती है तो पानी में घिस के गले में लगाते हैं। जायफल का जो अंदर का पार्ट रहता है उसको बोलते हैं जावित्री। किसी किसी का आंखों के नीचे डार्क सर्कल होता है, तो जावित्री को पानी में घिस के पानी को लगाना चाहिए। आ जाइए फिर बहन, जैसे इसमें वो जो जायफल होता है सूखा सूखा, वो कहाँ कहाँ लगता है फिर? ये देखिए, ये हो रहा है। अच्छा, इनमें वो सूखा सूखा ऐसा ही निकलेगा? बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। उसके अंदर का जो बीज होता है उसको बोलते हैं। देख सकते हैं, ये है हींग। हींग जब ये बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसको सीजर से कट करते हैं।
कट करने के बाद 1 से 2 महीने धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद ये ब्लैक और हार्ड हो जाता है पत्थर जैसा। जब हम लोग इसको स्टील के डब्बे में रखेंगे तो 10 या 15 दिन में खुशबू आ जाएगी। उसके बाद कूट के या क्रश करके हम यूज कर सकते हैं। जो आप लोग मार्केट से खरीदते हुआ पाउडर बनाया हुआ रुकता है, इसमें मिलावट होती है। यहाँ ऑर्गेनिक है, यहाँ हार्ड वाला मिलता है। मैं आप लोग को दिखाऊंगी। मेरे दिमाग में आ जाएंगे। ये है बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची। इसका सीजन बारिश में होता है। यह रूट में होता है। इसको सुखाने के लिए एक जगह आग लगाते हैं। आग लगाने के उसके साइड साइड में बड़ी इलायची को सूखने के लिए डालते हैं। जो आग लगाते हैं उसको धुआं से वो बड़ी इलायची सूखता है, तब जाके वो ब्लैक होता है। आ जाइए, रूट में है वो बड़ी इलायची। हाँ, ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ये 4 कलर का होता है। अभी ग्रीन है, ग्रीन होने के बाद ये रेड होता है। रेड होने के बाद इसको उबालते हैं। उबालने के बाद कॉटन का कपड़ा में रफ करेंगे तो वो व्हाइट हो जाएगा, और ऐसे ही धूप में सुखाएंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। जैसे कभी कभी किसी की आंखों में धुंधला धुंधला दिखता है तो इसका पाउडर बना के घी में मिला के खाना चाहिए। आंखों में नहीं डालना। वो दखनी मिर्च होती है वो तो दखनी मिर्च होती है ना, वो यही मिर्च होती है। दखनी मिर्च और काली मिर्च सेम होती है। ओके, चलो कि मैं तो बे रही नहीं अभी खा सकते क्या? नहीं, ये रॉ मैंने खाते देखा है इन्फ्लुएंसर्स को, मैं नहीं खा रही। अब आए हम ऑर्गेनिक स्पाइस शॉप पे। अब यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इन्होंने शॉप खोली है, इसकी बनाती हैं शायद। तो अभी अंदर जाके पता चलता है कि ये कैसे इन्होंने मसालों का किया हुआ है। देखना, उन्होंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे देखो काफ़ी हनी टस भी है, नेचुरल हनी, और यहाँ पे सारे मसाले हैं। चलो बाद में दिखा दूँगी। हनी अटैक कर देंगे आप पे। हाँ जी, दिख गया मुझे ये ग्रीन वाला, ऐसा होता है। ओके, इस टाइप का होता है, फिर उससे ये हनी बनता है, नेचुरल हनी। हाँ जी, चलो मार। फिर यहाँ पे ये मसाले हैं, ये सारे यहीं वाले हैं जो नेचुरल हैं। कैसे प्रूव होगा कि ये यहीं? यहाँ भी खरीदता है ना, ये लौंग है, ये बड़ी इलायची है, ये जायफल है ना, और इसमें ये हींग है, ये काली मिर्च है, और वो दखनी मिर्च है, इसे वाइट पेपर बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में हमारे दखनी मिर्च बोलते हैं इसको। क्या बोले? अभी आ रही रहा। ये इसमें बनाते हैं शहद। नीचे पानी रखा हुआ है, पानी बैठे, फिर इसके अंदर ही। इधर पानी क्यों रखा? क्यों? ताकि चींटी ना जाए। ओके, और यहाँ पे ये चक्की रखी हुई है, ये सिलबट्टा रखा हुआ है। ये भी मसाले पीसती होंगी ना यहाँ पे? मैं ना रखी पीसती होंगी, तू भी यार, ये मशीन में जब घर डी है मारती हूँ। और ये भी चक्की है, नहीं मुझे नहीं बढ़ना उसमें। मोटर साथ कर लियो, क्या साल होगी ये मार रहे हो? मोटर पानी के लिए यूज कर लेते हो क्या पता? यहाँ ती शोपीस रखे ए, जैक स्पैरो। क्या कहता कुछ अलग भी तू? क्या कहता? जैक स्पैरो बढ़कर डॉलर देख समुद्र में। कौन डॉलर है समुद्र में? ये एक एक ना, एक एक वो और ले लो, क्या बोलते हो ना, गन। नाइस। गाइस कितना अच्छा व्यू है ना, इतनी सारी बोट चल रही है, ऊपर से ये जा रहा है ब्रिज।
गया पूरा, अब हम खाएंगे। ये लग गए फ्रेंच फ्राइज में, लग रहे बहुत खाते हैं, फिर अपना चलते हैं रूम में और रूम में रेडी होके फिर हम चलेंगे बिग डैडी में। तो गाइस तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक घंटा हो गया तब दोनों वाले जो खान देना जिक रहा है कौन मैं खा रहा हूं एक में तब भी हो गया मैं देखिए प्लेट कितनी साफ सुथरी है खाने की कर रहे हो आज आप रात के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे खान तो दो यार तो खा लो ज्यादा थोड़ी कुछ गिलास से भी खा दीजिए ठीक है अरे भाई स्ट्रीक ज्यादा थोड़ी है एक फ्रेंच फ्राइज खाया एक गोभी भी है अच्छा एक मैक वेज लिया है हां एक आलू टिक्की लिया है हाँ। और फ्राइज खाए थे थोड़े से मन लाइन बता दिए और दूसरे फ्राइज है दूसरी चीज की एक पहले तो ज्यादा थोड़ी है पर मैंने बस एक मैक वेज खाया है और तो हद मार के दो फ्रेंच फ्राइज खाए होंगे जो कि इन्हें छोड़ दे दिया भागे सारे के नीचे बुकड़ा के गैल आ गई मैं तो अगली बार तो ना हूँ अपनी गैल तो गाइस अब चलते हैं ये खा ले तो अपने रूम में जाके खाएंगे।